कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों आप? आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक तरंग कक्षा एक बाय ब्रेन रूट सीरीज के पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है ठीक समय पर। बच्चों, हमें सभी काम सही समय पर करने चाहिए। चलिए पढ़ते हैं, उससे क्या होगा। चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, उपयुक्त चित्रों को देखकर यह बताओ यह कार्य करने क्यों आवश्यक है। तो देखिए, यहाँ दो चित्र बने हुए हैं। प्रथम चित्र में बच्चा अपने दांत साफ कर रहा है और दूसरे चित्र में बच्चा योगा कर रहा है। आपको यह बताना है कि यह दोनों कार्य करने क्यों जरूरी है। तो यह गतिविधि आप स्वयं करेंगे। कविता प्रवेश। तो देखते हैं आप क्या पढ़ेंगे इस कविता में। अपना प्रत्येक कार्य समय पर करने से ना केवल हम एक अच्छे इंसान बनते हैं, बल्कि अपने निर्धारित लक्ष्य में भी सफल होते हैं। जब हम अपना सभी काम सही समय पर करेंगे तो क्या होगा, हम अच्छे इंसान बनेंगे और अपने निर्धारित लक्ष्य में जो काम हम करना चाहते हैं उसमें सफल होंगे। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ। वो कह रहा है कि हमें सही समय पर उठना चाहिए और नहाना चाहिए। ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ। अपने भोजन को सही समय पर करो और सही समय पर पढ़ने जाओ। ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ। और हमें मौज मस्ती भी करनी चाहिए, तो वो भी सही समय पर करनी चाहिए और सही समय पर गाना गाना चाहिए जब आप खाली हो। ये नहीं कि आप स्कूल का काम कर रहे हैं तो गाना गा रहे हैं, नहीं, सही समय पर। ठीक समय पर सब कर पाओ तो तुम बहुत अच्छे कहलाओ। जब आप सभी कार्य सही समय पर करेंगे तो कैसे कहलाएंगे, अच्छे कहलाएंगे। यह कविता सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। चलिए अब हम अध्ययन करेंगे शब्दार्थ का। नित, नित का अर्थ है रोज, आनंद मजा, समय वक्त, खाना भोजन। हम दिन में कितनी बार भोजन करते हैं, 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को। चलिए अब हम अभ्यास करते हैं। हमें रोज कब उठना चाहिए, हमें रोज जल्दी उठना चाहिए, सही समय पर उठना चाहिए। समय पर काम करने से क्या होता है, समय पर काम करने से क्या होता है, हम अच्छे बच्चे कहलाते हैं और हमारा लक्ष्य जो होता है हम उसमें विजय प्राप्त करते हैं। आप रोजाना कब उठते हैं, तो आप सब अपनी अपनी अध्यापिका को बताएंगे कि आप रोज सुबह कितने बजे उठते हैं। प्रश्न 2, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। हमें डैश ठीक समय पर उठना चाहिए, रोज जरूरी नहीं, कभी कभी या कभी नहीं, हमें रोज ठीक समय पर उठना चाहिए। ठीक समय पर डैश कर पाओ, कुछ नहीं, थोड़ा, सब, इनमें से कोई नहीं। ठीक समय पर सब कर पाओ, जो भी काम करना है वो सही समय पर कर पाओ। सही समय पर काम करने वाले क्या कहलाते हैं, सही समय पर काम करने वाले अच्छे कहलाते हैं, अच्छे व्यक्ति कहलाते हैं। प्रश्न 3, निम्न पंक्तियां पूरी करो। तो अब कविता की कुछ पंक्तियां हैं, उसे पूरा करते हैं। ठीक समय पर नित उठ जाओ, मतलब सही समय पर उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ। ठीक समय पर चलो नहाओ, जब उठ जाओ तो सही समय पर क्या करो, नहाओ। डैश सब कर पाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ।
डैश बड़े कहलाओ, कब कहलाएंगे बड़े? तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। चलिए एक बार पढ़ते हैं। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ, तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। प्रश्न चार, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न चार आप स्वयं करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।